व्हाट्स अप गाइस, क्षितिज हियर, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज का टॉपिक है टेम्पो ट्रेनिंग, या आप उसको एरोबिक थ्रेशोल्ड ट्रेनिंग भी बोल सकते हो। सो टेम्पो रन्स क्या होते हैं और आपको कब करने चाहिए, जो मैं अपने सारे वीडियोस, या मेरा कोई भी वीडियो ट्रेनिंग देखोगे, 1600 मीटर्स, फुल मैराथन, 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, हाफ मैराथन, सब ट्रेनिंग वीडियोस में मैंने टेम्पो ट्रेनिंग पे बहुत एम्फोसिस किया है कि टेम्पो ट्रेनिंग आपको करनी चाहिए, अपने बेस फेज में भी करनी चाहिए, उसको आपको कंटिन्यू ले जाना चाहिए आपके सीजन के एंड तक। बट एक्चुअली होता क्या है टेम्पो रन? तो काफ़ी लोगों का मेरे को इंस्टाग्राम पे भी मैसेज आया और कमेंट में भी किया था कि आप टेम्पो ट्रेनिंग के बारे में बताओ, हमको कब कैसे करनी चाहिए। सो गाइस, टेम्पो ट्रेनिंग होती है लैक्टेट थ्रेशोल्ड पे, बेस पे। अब लैक्टेट थ्रेशोल्ड क्या होता है, अगर आपको मैं एक समझाने के लिए ग्राफ बताता हूँ। अगर आप रनिंग कर रहे हो और ये आपका थ्रेशोल्ड जोन है, सो आपको इधर से रनिंग आप स्टार्ट करोगे, आपको यहाँ तक रनिंग करनी है और इस पेस पे आपको रनिंग करनी है। अगर आप इस थ्रेशोल्ड के ऊपर चले जाते हो तो आपकी बॉडी में लैक्टिक एसिड आ जाता है। तो हम इस पेस पे रनिंग करेंगे और धीरे धीरे जैसे आपकी बॉडी की एफिशिएंसी, एरोबिक सिस्टम की अच्छी हो जाती है, तो आपका ये जो पेस है ये धीरे धीरे ऊपर हो जाता है। तो आपका लैक्टेट थ्रेशोल्ड पेस भी इंप्रूव होती है कंसिस्टेंटली, पर उसके लिए काफ़ी टाइम लगता है। हमको पता है कि एरोबिक सिस्टम को कंडीशन होने के लिए बहुत साल लगते हैं, 3 से 5 साल बहुत अच्छे से लगते हैं अगर आप बहुत अच्छे से एरोबिक ट्रेनिंग करते हो, और टेम्पो ट्रेनिंग उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो टेम्पो ट्रेनिंग आपको उस पेस पे करनी है जहां पे आपका बॉडी में लैक्टिक एसिड जस्ट प्रोड्यूस होए, जिस पॉइंट से ऊपर जस्ट वो प्रोड्यूस होने लग जाए। अगर वो प्रोड्यूस हो जाएगा तो आप स्लो डाउन हो जाओगे। तो आपको बस उस पॉइंट पे आपको वो आपका देखना है कि आपका वो थ्रेशोल्ड जोन क्या है। तो भाई, इसको देखने के लिए दो तरीके हैं। एक तो आप अपना जो आपका 10 किलोमीटर रेस पेस है, आप उधर से अपना टेम्पो ट्रेनिंग का जो आपको टेम्पो पेस है वो कैलकुलेट कर सकते हो, या फिर आप अपनी हार्ट रेट ट्रेनिंग के बारे में, हार्ट रेट के हिसाब से भी अपना टेम्पो जोन कैलकुलेट कर सकते हो। तो अगर आपको हार्ट रेट के हिसाब से टेम्पो जोन देखना है, तो मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाया था हार्ट रेट ट्रेनिंग पे, आप वो वीडियो चेकआउट कर सकते हो, मैं लिंक ऊपर डाल दूंगा। दूसरा, अगर आपको रेस पेस के हिसाब से देखना है, तो आपको अपनी 10 किलोमीटर की जो रिसेंट परफॉर्मेंस है वो आपको देखनी चाहिए। अगर आपने 10 किलोमीटर से लास्ट मंथ अराउंड 35 मिनट्स में किया, जस्ट सेइंग, अगर 35 मिनट्स में किया तो आपका पेस हो गया 3.5 मिनट पर किलोमीटर। तो आपका जो रफली थ्रेशोल्ड पेस रहेगा वो रहेगा 3:40 से 3:45 सेकंड पर किलोमीटर। तो ये आपका टेम्पो पेस रहेगा। इस पेस पे आपकी बॉडी पे लैक्टिक एसिड जनरेट नहीं होगा। ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है, इसलिए वो आपके इंडिविजुअल एफर्ट्स पे डिपेंड करता है कि आपका पर्सनल पेस किस हिसाब से है, और आपकी हार्ट रेट ट्रेनिंग, आपका हार्ट रेट जोन उस थ्रेशोल्ड में किस लेवल पे है, वो आपको खुद चेक करना चाहिए। तो ये आपको इनकॉर्पोरेट कब करना है, बेस ट्रेनिंग में आपको 3 महीने बेस ट्रेनिंग करते हैं, आप कोई भी इवेंट ले लो, 600 मीटर से मैराथन तक, बेस ट्रेनिंग में आपको हफ्ते में एक दिन करना ही करना है टेम्पो ट्रेनिंग। अब टेम्पो ट्रेनिंग में भी गाइस 4 वर्कआउट्स आते हैं, 3 से 4 अलग अलग वर्कआउट्स होते हैं, आप कर सकते हो। या तो आप 20 मिनट्स टेम्पो रन ले सकते हो, इसमें आप 4 से 5 किलोमीटर टेम्पो रनिंग करोगे, पर आपको जो पेस रखना है वो टेम्पो पेस पे करना है। या फिर आप कर सकते हो 4 से 5 टाइम 1600 मीटर 1 मिनट रेस्ट के साथ, ये भी आपको अपनी टेम्पो पेस पे करना है। या फिर आप ले सकते हो 3000 मीटर 3200 मीटर के 3 रेपिटेशन, ये भी आपको 2 से 3 रेपिटेशन आपको टेम्पो बेस पे करना है, इसलिए आप 3 से 4 मिनट का रेस्ट ले सकते हो, या फिर आप 2 टाइम्स 5 किलोमीटर कर सकते हो अपनी टेम्पो बेस पे। तो ये 3-4 एग्जांपल्स हैं जो आपको थ्रेशोल्ड पेस पे कर सकते हो आपके पूरे सीजन में। तो ये गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एरोबिक फिटनेस तो आपका डेवलप होगा सालों के मेहनत पे, बट आपका थ्रेशोल्ड जो है वो अच्छा कब होगा, अगर आप अपने एरोबिक थ्रेशोल्ड जोन पे अपनी ट्रेनिंग करोगे तो धीरे धीरे वो जोन एलिवेट होगा। मैंने आपको बताया, अगर आपका प्रेजेंटली ये आपका थ्रेशोल्ड जोन है, आप इस पे अपना टेम्पो रन कर रहे हो, आपका अगले साल इसको ये इधर पहुंच जाएगा, और फिर आपका नया एरोबिक थ्रेशोल्ड जोन ही हो जाएगा, धीरे 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 वो ऊपर हो जाएगा। तो आपको उस हिसाब से अपने टेम्पो रन इनकॉर्पोरेट करने चाहिए थ्रू आउट योर सीजन। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्कआउट इसलिए भी है क्योंकि जो जितने में आपकी बाकी वर्कआउट्स होते हैं, ये उनके हिसाब से आपको ज़्यादा एफिशिएंसी देता है। कैसे, अगर आप लॉन्ग रन ले रहे हो, अपने इजी रन्स, एरोबिक इजी रन्स ले रहे हो या लॉन्ग रन ले रहे हो, फिर आप टेम्पो रन करते हो, तो आपको बाकी रन्स का एफर्ट जो आपने किया है वो आपको टेम्पो रन के टाइम में भी दिखेगा। जैसे आप बतौर एक एग्जांपल बताता हूँ, अगर आप एक हफ्ते में 3 दिन से इजी रनिंग कर रहे हो, एक लॉन्ग रन ले रहे हो, 2 दिन इजी रनिंग कर रहे हो, फिर एक टेम्पो रन ले रहे हो, सेम वीक अगर मैं 3 महीने के बाद दे जाऊँ, क्योंकि आपका लॉन्ग रन भी इंक्रीज हो जाएगा, आपकी माइलेज भी इंक्रीज हो जाएगी, तो आपका टेम्पो रन में भी आपको वो एरोबिक एडवांटेज मिलेगा जो आप बाकी इजी एरोबिक वर्कआउट्स में कर रहे हो। सो गाइस, टेम्पो रन पे आपको ज़्यादा हार्ड नहीं जाना है, आपको ज़्यादा अपनी 5K 10K पेस पे वर्कआउट नहीं करना। क्लोजली अगर देखा जाए तो अगर एलीट एथलीट्स होते हैं तो उनके लिए ये अराउंड 15 किलोमीटर रेस पेस, 15 से 21 किलोमीटर्स हाफ मैराथन पेस पे उनका टेम्पो जोन होता है।
तो गाइस ये वीडियो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया और आपको टेम्पो ट्रेनिंग इस हिसाब से आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। और कोई भी ट्रेनिंग टॉक के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करो या फिर आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो और आपको मैं नेक्स्ट वीडियो पर मिलता हूँ। टिल देन स्टे ट्यून्ड।